Dear students, today we will study about test, measurement and evaluation and importance of evaluation. Now test. Test is a device which consists of standard set of questions which the students respond individually and the results are treated in such a way as to provide quantitative comparison of the performance of different students. इट मीन्स के टेस्ट जो है वो एक ऐसा यंत्र है जिसमें के प्रश्न छात्रों को दिए जाते हैं और छात्र जो हैं उसे इंडिविजुअली अटेम्प्ट करते हैं और जब वो उत्तर देते हैं उसे अध्यापक द्वारा चेक किया जाता है, उन्हें क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का मतलब है उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं और फिर उन नंबर्स का कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, जिसके बेसिस पे उनको रैंक ऑर्डर किए जाते हैं कि इस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं, इसके लोएस्ट मार्क्स हैं, ये इसकी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है, इसकी इम्प्रूवमेंट अच्छी नहीं है, इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसे हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कहते हैं। मेजरमेंट मेजरमेंट टेक्स प्लेस इन डे टू डे लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल वेरी फ्रीक्वेंटली। Measurement refers to assignment of numbers to express in quantitative terms the degree to which a pupil possess a given characteristic. इसका अर्थ है कि मापन द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों को नंबर्स जो हैं वो असाइन किए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट। अकॉर्डिंग टू ग्लास एंड स्टेनले, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। जब हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर असाइन करते हैं तो उसे मापन कहा जाता है। एंड इट इज़ राइटली रिमार्क दैट एनी थिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल एग्जिस्ट इन सम क्वान्टिटी एंड एनी थिंग दैट एग्जिस्ट इन सम क्वान्टिटी इज कैपेबल ऑफ बींग मेजर्ड। इसका अर्थ है कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसे हम मेजर कर सकते हैं और हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे जब हम ग्रॉसरी स्टोर पे सामान खरीदते हैं तो आर्टिकल्स का जो वेट है उसको मेजर किया जाता है। जब हम टेलर के पास जाते हैं कोई कपड़ा स्टिच करवाने के लिए तो उसमें हमारा जो बॉडी साइज़ है उसको मेजर किया जाता है। ड्राई क्लीनर के पास कपड़े देने जाते हैं तो वहाँ पे वो हमारे कपड़ों को काउंट करता है कि वो उसके अगेंस्ट वो कितने पैसे चार्ज करेगा। Now, according to Hagen, measurement provides information such as a test score and not the judgment of insight, which is required for reaching a sound conclusion or plan of action. मापन जो है वो हमें क्या करता है, वो हमें एक नंबर प्रोवाइड करता है पर उसके साथ ही जजमेंट हमें मापन प्रोवाइड नहीं करता है या उसका इंसाइट भी हमें मापन प्रोवाइड नहीं करता है। वो जजमेंट का आइडिया हम लगाते हैं जो हमारा थर्ड टूल है इवेल्युएशन, उसके द्वारा मेजरमेंट के द्वारा सिर्फ नंबर्स असाइन किए जाते हैं या फिर टेस्ट स्कोर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। इवेल्युएशन मूल्यांकन। प्रोविजन ऑफ इवेल्युएशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। द टर्म इवेल्युएशन हैज अ वाइडर मीनिंग देन द ट्रेडिशनल वर्ड टेस्टिंग। इवेल्युएशन इंक्लूड टोटल असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स in terms of his progress. According to Bradfield and Murdoch, evaluation is assignment of symbols to a phenomenon in order to characterize the worth or value of a phenomenon, usually with reference to some social, cultural and scientific standards. It means, evaluation मूल्यांकन में क्या किया जाता है? इसमें सिंबल्स या फिर नंबर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स को लेकर और उसके साथ ही वैल्यू जो है वो अटैच की जाती है विद रेफरेंस टू सर्टेन सोशल कल्चरल और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हम मेजरमेंट के साथ वैल्यू अटैच करते हैं या कुछ जजमेंट हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इवेल्युएशन कहते हैं। इवेल्युएशन जो है एजुकेशनल कंटेक्स्ट में एक ब्रॉड प्रोग्राम है देन एग्जामिनेशन in which achievement, attitude, interest, personality traits, skill factors, इन सब का ध्यान रखा जाता है। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं evaluation process में cognitive, affective, psychomotor ये तीनों domains आते हैं।
सक्सेस और फेलियर जो है किसी भी टीचिंग का, वो डिपेंड करता है टीचिंग स्ट्रेटजीज पे और एड्स पे, टीचिंग एड्स हम क्या यूज़ करते हैं। इसलिए इवेल्युएशन अप्रोच क्या करती है, वो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करती है। अकॉर्डिंग टू क्विलेन एंड हैना, इवेल्युएशन इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ ऑलराउंड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, इंक्लूडिंग हिज फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज वेल एज हिज एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट। इवेल्युएशन मीन्स अ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो बात हमने अभी की, मूल्यांकन क्या है, इसे हम बच्चे के संपूर्ण विकास का मापन कह सकते हैं, जिसमें उसके शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास, उसके साथ उसके एटीट्यूड और उसकी रुचियां जो हैं वो समाहित होती हैं। इवेल्युएशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे कि बच्चे के व्यक्तित्व की कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की जाती है। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन और टेस्ट। मूल्यांकन और टेस्ट जो हैं, ये हमारे किस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो सबसे पहले ग्रेडेशन के काम आते हैं। जो हम ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उनके लिए इवेल्युएशन का प्रयोग किया जाता है। फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स, किसी भी एक इंस्टीट्यूट के अगर हमने स्टैंडर्ड सेट करने हैं, तो उसके लिए हम मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि एक इंस्टीट्यूट जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूट से विभिन्न दिखता है। एंड इट इज़ इंसेंटिव फॉर हार्डवर्क। जो हम पूरे साल पढ़ते हैं या हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के लिए पढ़ते हैं, उस हार्डवर्क का इंसेंटिव जो है वो हमें मार्क्स के रूप में टेस्ट के द्वारा मिलता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर हमने बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए भी हमें मूल्यांकन या फिर टेस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। फॉर कॉम्पिटिशन पर्पस, जब हमने बच्चों में कॉम्पिटिशन्स करवाने हैं, तो उसके लिए या एक कॉम्पिटिशन स्पिरिट बच्चे में हमने इंकलकेट करनी है, तो उसके लिए भी हमें मूल्यांकन का प्रयोग करना है। फॉर प्रमोशन, बच्चे को हमने एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना है, तो उसका बेसिस भी मूल्यांकन ही है। टू सी द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, एक साल में बच्चे की अगर हमने प्रोग्रेस देखनी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, FA1, FA2, SA1, FA1, FA2, SA2 में, तो उसके लिए हमें टेस्ट लेने ही पड़ेंगे। फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी कितनी पूर्ति हुई है, उसको देखने के लिए भी हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि मूल्यांकन जो है वो क्या है, वो एक, या एजुकेशन जो है ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड देन इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज टू सी द अटेंटिवनेस ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हमने बच्चे की क्लास में अटेंटिवनेस देखनी है, तो उसके लिए भी हमें टेस्ट लेना ही पड़ेगा। ये टेस्ट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। फॉर एडमिशन पर्पस, जो हमें डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेनी है या स्कूल में एडमिशन लेनी है, तो उस टाइम पे भी एक टेस्ट लिया जाता है। फॉर रिसर्च वर्क, किसी प्रकार का हमने अनुसंधान करना है, तो उसके लिए भी टेस्ट हमारे लिए सहायक साबित होते हैं। टू सर्टिफाई स्टूडेंट्स, छात्रों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए भी टेस्ट लिए जाते हैं। टू प्रोवाइड गाइडेंस, निर्देशन देने के लिए भी टेस्ट लिए जाते हैं। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, यदि हमने पाठ्यक्रम में या पाठ्य पुस्तकों में कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है, तो उसके लिए भी टेस्ट लिए जाते हैं। फॉर इवेल्युएटिंग टीचर्स, अगर हमने टीचर्स का मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए भी छात्रों का ही मूल्यांकन करना पड़ेगा। छात्रों के जो मार्क्स आएंगे, उससे टीचर्स का इनडायरेक्टली मूल्यांकन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट थ्री टर्म्स, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।